नमस्कार बीटा उनकी खबरों के साथ मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त और होस्ट अंकिता। चलिए नजर डालते हैं बॉलीवुड की कुछ प्रमुख खबरों पर। साउथ सुपरस्टार कमल हसन और डायरेक्टर मणिरत्नम की जोड़ी लौट रही है। दोनों 35 साल बाद एक बार फिर साथ आ रहे हैं। कमल हसन अपनी फिल्म थग लाइफ के साथ मणिरत्नम संग काम कर रहे हैं। फिल्म का टीजर रिलीज हुआ है, वो भी कमल की बर्थडे के एक दिन पहले। फैंस को ट्रीट देते हुए कमल हसन ने अपनी फिल्म का नाम बदल दिया है। दरअसल पहले फिल्म का नाम केस 234 था, पर अब इसे बदलकर थग लाइफ कर दिया गया है। टीवी का पॉपुलर डांस रियलिटी शो झलक दिखला जा का सीजन 11 एक बार फिर धमाल मचाने आ रहा है। ये शो 11 नवंबर 2023 से प्रसारित होगा। शो की खास बात यह कि इस बार नए जज देखने वाले हैं। इन नए जजों की टीम में फराह खान, मलाइका अरोड़ा और अरशद वासी शामिल है। वहीं गौहर खान और ऋतिक धनजानी डांस रियलिटी शो होस्ट करने वाले हैं। शो का पहला एपिसोड पूरी तरह से टेलीकास्ट होने के लिए तैयार है और हाल ही में उसका प्रोमो सामने आया है। प्रोमो में एक्ट्रेस और शो की कंटेस्टेंट तनिषा मुखर्जी सितारों से भरे परिवार से रिलेटेड होने के बारे में बात करती नजर आती हैं। वहीं उन्होंने अपने असफल करियर को लेकर भी अपना दर्द बयां किया है। आलिया भट्ट और रणबीर कपूर की इकलौती बेटी राह कपूर का 6 नवंबर को पहला जन्मदिन था। बता दें कि राह के जन्मदिन के मौके पर कई सितारे और खास मेहमानों का आगमन हुआ था। राह के जन्मदिन के मौके पर खास तैयारियां की गई थी। दादी और नानी ने मिलकर पार्टी में खूब रौनक जमाई थी। पार्टी की एक थीम थी, सभी इसी थीम के अनुसार चश्मा पहने नजर आए। राह के पहले जन्मदिन के मौके पर नीतू कपूर खुशी से फूले नहीं समाई। उन्होंने भी जमकर तस्वीरें ली और जमकर पोती के बर्थडे को एंजॉय किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिवाली से पहले देशवासियों से एक खास अपील की है। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर फेमस टीवी सीरियल अनुपमा का एक वीडियो शेयर किया है, जिसके जरिए वह देशवासियों को वोकल फॉर लोकल मूवमेंट को बढ़ावा दे रहे हैं। पीएम मोदी का अनुपमा स्टाइल में देशवासियों से अपील करना चर्चा बटोर रहा है। दरअसल पीएम नरेंद्र मोदी ने वोकल फॉर लोकल मूवमेंट को प्रमोट करने के लिए अनुपमा का एक वीडियो माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स पर शेयर किया है। क्लिप में अनुपमा उर्फ रूपाली ऑन स्क्रीन पति अनुज कपाड़िया के साथ दिवाली की तैयारी करते दिख रही हैं। सारा अली खान इन दिनों लगातार चर्चा में बनी हुई है। हाल ही में अनन्या पांडे के साथ कॉफी विद करण 8 में पहुंची सारा अली खान ने शुभमन गिल और अपने अफेयर की खबरों पर चुप्पी तोड़ी थी। इस बीच ही सारा अली खान ने अब अपने इंस्टाग्राम फोटो शेयर की और लिखा कि वह बहुत अनकंफर्टेबल थी। हाल ही में वो अपनी बी टाउन की न्यू बेस्ट फ्रेंड अनन्या पांडे के साथ करण जौहर के चैट शो कॉफी विद करण 8 में पहुंची थी, जहां उन्होंने फाइनली शुभमन गिल के साथ अफेयर की अफवाहों पर अपनी चुप्पी तोड़ी और बताया कि वह सारा वो नहीं है। इतना ही नहीं, उन्होंने हिंट में ये भी बता दिया कि क्रिकेटर सारा तेंदुलकर को डेट कर रहे हैं। अब हाल ही में सारा अली खान ने एक फोटो शेयर की है, जिसे लेकर वह वापस चर्चा में आ गई हैं। फिलहाल बीटाउन की खबरों में इतना ही। आप बने रहिए बीसीएन न्यूज के साथ। नमस्कार।